बिहार की राजधानी पटना के शालिनी कुमारी अगले 15 दिन तक राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की मेहमान रहेंगी। दीघा घाट निवासी शालिनी ने स्टेयर्स वॉकर बनाया है, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को सीढ़ियां चढ़ने उतरने में काफी सहूलियत होती है। शालिनी के दादा घर की छत पर बागवानी करते थे, लेकिन एक दुर्घटना में पैर खराब होने की वजह से चल फिर नहीं सकते। हादसे के बाद उन्हें वॉकर की मदद से चलने को मजबूर होना पड़ा। वे सीढ़ियां नहीं चढ़ पाते थे, बागवानी छूट गई। शालिनी को यह अच्छा नहीं लगा। शालिनी से उनकी परेशानी देखी नहीं गई और यहीं से उसके दिमाग में स्टेयर्स वॉकर का ख्याल आया। शालिनी ने वॉकर के डिजाइन में बदलाव कर ऐसा वॉकर तैयार किया और उसका सुझाव नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन को भेजा। उन्होंने उसे विकसित करने की जिम्मेदारी एक कंपनी को सौंप दी। आज जो मॉडिफाइड वॉकर तैयार हुआ है, उसमें स्प्रिंग लोडेड सेल्फ लॉकिंग फ्रंट लेग्स हॉर्न एंड लाइट लगे हैं। लोगों को इससे सहूलियत हुई है, जिसकी मदद से उनके दादाजी आसानी से सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं। शालिनी कहती हैं कि मैं जब 9वीं में थी तो ये आइडिया आया था कि वॉकर के सामने वाले लेग्स को एडजस्ट करने में सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल नहीं होगा। फिलहाल मेडिकल की तैयारी कर रही शालिनी का मानना है कि एक और जब इनोवेशन कर सकता है, सिर्फ उसे मोटिवेट करने की है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 2013 में नववर्षकों, लेखकों, कलाकारों के लिए राष्ट्रपति भवन के दरवाजे खोले थे। इसका उद्देश्य उनकी रचनात्मक संभावनाओं को प्रोत्साहित करना और उनकी गतिविधियों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना है। तब से हर वर्ष नई खोज कर रहे नववर्षक, लेखक व कलाकार यहां ठहरते हैं। शालिनी के साथ 14 अन्य लोग 18 मार्च तक राष्ट्रपति के मेहमान होंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से अनुज की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।